हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जो कि है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इससे पहले मैं आपको सिक्स पॉइंट तक समझा चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोज में मैंने समझाया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो बिल्कुल उसे देखें। ये तीनों पार्ट्स मैंने कंटिन्यू किए हैं जिसमें मैंने सिक्स तक फैक्टर्स अफेक्टिंग समझाए हैं। अब मैं सेवन पॉइंट से स्टार्ट करने जा रही हूं, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब इसको समझते हैं कि किस तरह डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो डिमांड को इफेक्ट करता है, यानी एक पर्सन की या एक मार्केट की डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू इम्यूलेट द कंजम्पशन स्टाइल ऑफ अदर पर्सन सच एज हिज फ्रेंड्स और नेबर्स एक्सेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है इम्यूलेट करना, यानी जब हम अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को देखकर उनको कॉपी करके कोई सामान खरीदें या किसी चीज की डिमांड अचानक से बढ़ जाए, तो वो चीज है हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम ये ले सकते हैं कि कई सारे आपके फॉरेन की चीजों की डिमांड जो बढ़ती है वो इस वजह से बढ़ती है क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं एक्चुअली फॉरेन ट्रेंड को, या हम उनके ट्रेंड को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो डिमांड बढ़े किसी फॉरेन की चीज को लेकर, तो ये चीज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। इसमें आपका क्या होता है कि कंजम्पशन स्टाइल जो है वो हम अदर पर्सन का इफेक्ट करता है हमें, कि हाँ सामने वाले के पास अगर ये वाली घड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए और मैंने जाकर मार्केट में उस घड़ी के लिए डिमांड कर दी और उसको खरीद कर ले आया, तो ये चीज क्या है, इसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एट्थ पॉइंट पे, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ कंट्री इफेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन अ मार्केट। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन द मोर विल बी द डिमांड। डायरेक्ट बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है कंट्री की तो उस पॉपुलेशन से डिमांड भी हमारी चीजों की ज्यादा होगी। ज्यादा लोग हैं तो वो ज्यादा चीजों के लिए डिमांड करेंगे, तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होता है साइज में। अब आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है रेफर्स टू अ फैक्टर्स या फेसेट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एडल्ट, मेल्स, फीमेल एक्सेट्रा। कॉम्पोजिशन मतलब होता है जो एक बड़ी सी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, उनमें से पॉपुलेशन की कैटेगरी किस हिसाब से है, कितने लोग चिल्ड्रन की कैटेगरी में आ रहे हैं, कितने एडल्ट हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, इस कैटेगरी को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। एक पॉपुलेशन में किस हिसाब से कॉम्पोजिशन है, जैसे हम एग्जाम्पल लें तो हमारे इंडिया में यंग लोगों की कॉम्पोजिशन ज्यादा है पॉपुलेशन में, यानी पूरी पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन में हम यंग लोगों को ज्यादा पाएंगे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जाम्पल चाइना को देखें तो चाइना में आपके ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं, तो वहां पे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी। तो ये चीजें जो आपकी कॉम्पोजिशन है, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन ज्यादातर किस जेंडर को या किस एज ग्रुप को कवर करती है, उसका भी असर हमारी डिमांड पे बढ़ता है। अगर हमारे यहाँ यंगस्टर ज्यादा हैं, यंग लोग ज्यादा हैं, तो हमारे यहाँ डाइट फूड या हमारे यहाँ फैशन ट्रेंड गुड्स की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी हमारी कंट्री में। और अगर हमारी कंट्री में ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे यहाँ व्हील चेयर, मेडिसिन, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब की डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। तो ये चीज क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल, अगर हमारे देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉलो होता है तो एक कॉन्सेप्ट चलेगा कि रिच लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे क्योंकि उनके पास हाथ में पैसा ज्यादा है, हमारे यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। जब रिच लोगों की तादाद ज्यादा होगी तो लार्जर परचेजिंग पावर ऑफ डिमांड फॉर लग्जूरियस गुड्स, यानी कि जो रिच लोग हैं वो ज्यादातर किन चीजों की डिमांड करेंगे, लग्जूरियस गुड्स की डिमांड करेंगे, महंगे सामान की डिमांड ज्यादा रहेगी कंट्री में। क्यों? क्योंकि रिच लोग ज्यादा हैं हमारे यहाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ही वैसा है। और वहीं अगर इसके अपोजिट आ जाए, द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल, अगर हमारी कंट्री में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, सबको समान रूप से उनकी सैलरी मिलती है या इनकम मिलती है, उस केस में हमारे यहाँ कंट्री में ज्यादा डिमांड किस चीज की रहेगी, नेसेसिटीज की रहेगी। देन देयर विल बी लेस डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड मोर डिमांड फॉर नेसेसिटीज, क्योंकि सबके पास पैसा कम है तो सब लोग सबसे पहले किस चीज की डिमांड करेंगे, नेसेसिटीज की डिमांड ही करेंगे, जिन चीज की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है।
तो वहां पे नेसेसिटी की डिमांड हमेशा राइज रहेगी, चावल दाल खाने वाली चीजें कपड़े इनकी डिमांड ज्यादा रहेगी। और अगर हमारे अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है तो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड ज्यादा रहेगी, जैसे टीवी, वॉच, कार एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं 10th पॉइंट में, क्लाइमेटिक इफेक्ट। डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स बिकॉज डिफरेंट गुड्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब मौसम के हिसाब से भी हमारी कंट्री में कुछ चीजों की डिमांड सेट रहती है। अगर हमारे यहाँ सारे सीजन्स होते हैं, अगर क्या मतलब होते ही इंडिया में सारे सीजन्स, तो हर सीजन में चीजों की डिमांड अप डाउन होती है। जैसे अगर हम अम्ब्रेला या रेनकोट लें तो इनकी सबसे ज्यादा डिमांड किस सीजन में होती है, मानसून के सीजन में होती है। बाकी सीजन में इनकी डिमांड ऑलमोस्ट निल पहुंच जाती है। इसी तरह से अगर हम फॉरेन कंट्री के क्लाइमेट को देखें, अगर फॉरेन कंट्रीज में सर्दी ज्यादा पड़ती है तो उनके यहाँ ओवरऑल ईयर में किस चीज की डिमांड ज्यादा रहेगी, स्वेटर्स वगैरह की या वुलन क्लोथ्स की। तो हर देश का अपना क्लाइमेटिक इफेक्ट भी होता है जो कि डिमांड को अप डाउन करने में मदद करता है। और लास्ट आते हैं हम गवर्नमेंट पॉलिसी पे। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है। किस तरह से करती है, एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी में एक मेन फैक्टर होता है टैक्सेस। टैक्सेस जो है वो किसी भी चीज की डिमांड को बहुत अफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेस हर चीज में इंक्लूडेड होता है। इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और एक्साइज ड्यूटीज द प्राइस ऑफ दीज गुड्स इंक्रीज विच डिक्रीज द डिमांड। अगर किसी देश में इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई हो रही है और उसमें टैक्सेस में टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, यानी कि हर चीज पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो अल्टीमेटली उस चीज की प्राइस में भी इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट आएगा, प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि टैक्स बढ़ रहे हैं। और प्राइस बढ़ेगी तो सीधा इफेक्ट डिमांड फॉल हो जाएगी। एक सिंपल कॉन्सेप्ट चलता है, टैक्स बढ़ा तो प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड उसकी कम हो गई। क्यों? क्योंकि लोग महंगा सामान नहीं खरीदना चाहते। बट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डन ऑन कंस्ट्रक्ट वर्क देन इट रेजेस द डिमांड ऑफ दीज गुड्स। वहीं अगर हमारी गवर्नमेंट ये फॉलो कर रही है कि टैक्सेस वगैरह नहीं बढ़ाने हैं, हमें कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ाना है, तो उस हिसाब से हमारी कई चीजों की गुड्स बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट हर वक्त अपने एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों पे करे, तो वहां पे चीजों की डिमांड बढ़ती है क्योंकि गवर्नमेंट उससे मांगने लगती है। अब जैसे ब्रिक्स है, सीमेंट है, अगर कंस्ट्रक्शन के काम पे ध्यान दे रहे हैं तो आयरन है, ब्रिक्स, मिनरल्स, इन सारी चीजों की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ही इस तरह की पॉलिसी अप्लाई कर रही है कि उसे कंस्ट्रक्शन के काम पे ध्यान देना है, डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, तो उनसे रिलेटेड गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो ये 11 फैक्टर्स थे हमारे जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये तीनों ही वीडियो क्लियर हुए हों। इससे पहले 2 मैंने अलग से समझाए थे और आज ये लास्ट आपका डिमांड से रिलेटेड, फैक्टर्स से रिलेटेड, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।